विराट कोहली की टीम इंडिया से छुट्टी करने को तैयार है ये धाकड़ खिलाड़ी। 80 के औसत से कूटता है रन, गेंदबाजों को जमकर पीटता है। विराट की जगह नंबर 3 पर करता है तूफानी बैटिंग, लगा देता है रनों का अंबार। वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का न्यूजीलैंड दौरे पर खेली जा रही T20 और वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। इस दौरे के बाद टीम इंडिया को अगले महीने बांग्लादेश का दौरा करना है, जहां 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाने हैं, जिसमें किंग कोहली को कहर बरपाते हुए देखा जाएगा। वहीं इस दौरे से पहले उनके स्थान पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ये खिलाड़ी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए विराट की जगह खतरनाक पारियां खेलने में माहिर है। ऐसे माना जा रहा है कि यह युवा खिलाड़ी कोहली की जगह खा सकता है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली लंबे समय से नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए यह स्थान कोहली के लिए पक्का माना जाता है। टीम में उनके मौजूद रहते कोई और बल्लेबाज उनकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार है। सबसे पहले वनडे मैचों की बात करें तो किंग कोहली ने साल 2009 से लेकर साल 2022 तक नंबर 3 पर खेलते हुए 199 मैच खेले हैं, जिसमें उनके बल्ले से 60 की बेहतरीन औसत से 10,228 रन बने हैं। इस दौरान कोहली ने 54 अर्धशतक और 36 शतक भी लगाए हैं। वहीं अब बात करें T20 प्रारूप की, तो विराट कोहली इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 78 मैच खेले हैं, जिसमें 3,024 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली ने 56 की औसत और 135 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 32 अर्धशतक भी जड़े हैं, जबकि ओपनिंग करते हुए एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक भी बनाने में सफल रहे हैं। भारतीय टीम के उभरते बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अपनी धमाकेदार पारियों से धीरे धीरे टीम इंडिया में अपने पैर पसार रहे हैं, क्योंकि वे विराट कोहली की तरह नंबर 3 पर खतरनाक पारियां खेलने में महारत हासिल रखते हैं। उन्होंने विराट कोहली की गैर मौजूदगी में जब जब नंबर 3 पर खेलने के लिए भेजा गया है, उन्होंने चयनकर्ताओं को निराश नहीं किया। वहीं अय्यर के इस पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए खूब रन बनाए हैं। उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो अय्यर ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए पिछले 3 सालों में 7 बार स्थान पर बैटिंग करने का मौका मिला है, जिसमें उन्होंने 57 की औसत और 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 403 रन बनाए हैं, जबकि T20 में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने लगभग 36 की औसत से और 132 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 469 रन बनाए हैं। इस दौरान श्रेयस के बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले हैं। कोहली के रहते हुए किसी भी खिलाड़ी के लिए उनकी जगह ले पाना आसान नहीं है, लेकिन विराट कोहली साल 2023 में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले सकते हैं, क्योंकि कोहली लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अपना वर्कलोड कम करने के लिए वनडे या T20 प्रारूप में से किसी एक फॉर्मेट से अपना हाथ खींच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो श्रेयस अय्यर इस स्थान पर खेलने के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।